हेलो, वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू माय चैनल माय चिरडे सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 4, रैशनल नंबर्स ऑफ क्लास 7th मैथ। तो उसमें कि हम एक्सरसाइज 4E, इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 4E में हमको सॉल्व करना है अप्लीकेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, मीन जो रैशनल नंबर चैप्टर हमने पढ़ा था उस रैशनल नंबर्स का अप्लीकेशन, उसके वर्ड प्रॉब्लम्स हमको इस एक्सरसाइज में देखने हैं। सो लेट्स सी थर्ड नंबर वर्ड प्रॉब्लम। द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड एट एज मच एज पॉसिबल ऑफ ए पर्टिकुलर बुक ड्यूरिंग द वीकेंड। एक वीकेंड में एक टीचर ने स्टूडेंट को, थ्री स्टूडेंट्स को बोला है कि जितना हो सके उतना बुक रीडिंग करो। बाल कृष्ण रीड 1/2 ऑफ द बुक, मतलब हाफ ऑफ द बुक। बुक के कितने जितने पेजेस हो गए उसके हाफ पेजेस किसने रीड किए? बाल कृष्णन ने। एंजेला ने उसके 5/6 पेजेस रीड किए, और शुभ लक्ष्मी ने 2/3 टोटल बुक रीड किया। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या करना है हमको? क्वेश्चन में क्या पूछा है? अरेंज द थ्री नेम्स इन ऑर्डर फ्रॉम वन हु रीड मोस्ट टू द लिस्ट। देखो यहाँ पे दिया है मोस्ट टू द लिस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला पेजेस और सबसे कम पढ़ने वाला, ऐसे हमको अरेंज करना है। मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला पहले, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम, ऐसे हमको अरेंजमेंट करना है। तीनों नेम्स कौन से? बालकृष्णन, एंजेला एंड शुभलक्ष्मी। चलो देखो अब क्या होगा इसमें। चलो इसको सॉल्व करते हैं। नाउ सी दैट हियर टोटल पेजेस आर नॉट गिवन। हमको यहाँ पर टोटल टोटल पेजेस नहीं दिए है। ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि हमको अरेंज करना है मोस्ट टू द लिस्ट, मतलब सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में अरेंज किया था नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या फिर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। मोस्ट मतलब सबसे बड़ी, लिस्ट मतलब सबसे छोटी, मतलब 1/2, 5/6, 2/3, इसमें के सबसे बड़ी नंबर और सबसे छोटी नंबर, ऐसे हमको याद उसका ऑर्डर लिखना है। यहाँ पर ऑर्डर में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले बालकृष्णन ने कितना रीड किया? बालकृष्णन रीड हाउ मच बुक? 1/2, हाफ ऑफ द बुक। उसके बाद एंजेला ने कितना रीड किया? एंजेला रीड इक्वल टू 5/6 ऑफ द टोटल बुक। एंड लास्ट शुभ लक्ष्मी, उसने कितना रीड किया? 2/3 ऑफ द टोटल बुक। ओके, दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो अब क्या करना है यहाँ पर हमको, तो हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सबसे बड़ी पहले, उससे छोटी और सबसे छोटी, ऐसे तीन नंबर्स, 1/2, 5/6 एंड 2/3, इसको हमको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करना होगा हमको? 1/2, 5/6 और 2/3, इनका एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। मतलब पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दैट इज वी हैव टू अरेंज विच नंबर्स 1/2, 5/6 एंड 2/3 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कैसे अरेंज करेंगे? एलसीएम निकालेंगे तीनों का, डिनोमिनेटर का। व्हाट इज द डिनोमिनेटर? 2, 6 एंड 3। वी नो दैट द एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 3 इज, कितना है एलसीएम इसका? ऑफकोर्स 6 है। सो एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 3 इज कितना है यहाँ पर? 6। तो सभी के डिनोमिनेटर हम यहाँ पर 6 करेंगे, तभी वो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 1/2 को 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से, इधर 5/6 है, 6 तो पहले से है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं किया तो भी चलेगा। उसके बाद 2/3 है डिनोमिनेटर में, 6 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन कौन से हो जाएंगे? 3 1 3, 3 2 6, 3/6, 5/6 एंड 4/6। ओके, नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो वी कैन इजीली अरेंज दिस फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो हाउ टू अरेंज? विच इज द बिगर फ्रैक्शन? बिगेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर सभी के सेम है, तो न्यूमरेटर चेक करो, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है? 5। मतलब ये 5/6 फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो गया।
उससे छोटा फ्रैक्शन 4/6 हो गया और सबसे छोटा फ्रैक्शन 3/6 हो गया। 5/6 ग्रेटर देन 4/6, 4/6 ग्रेटर देन 3/6। तो 5/6 वाला कौन था यहाँ पर, किसने रीड किया था? 5/6 हमको किसने कहाँ से मिला था यहाँ पर? 5/6 एंजेला। तो 5/6 ओरिजिनल फ्रैक्शन था 5/6 ग्रेटर देन। नाउ सी 4/6 हमको कहाँ से मिला है? 4/6 यहाँ से मिला था। कहाँ से? 2/3 से। और ये 3/6 हमको कहाँ से मिला था? 3/6 मिला था हमको 1/2 से। ओके, सो यह मिला था 1/2 से। तो 5/6 ग्रेटर देन 2/3 एंड ग्रेटर देन 1/2। तो अब चेक करो यहाँ पर 5/6 पार्ट किसने रीड किया था? एंजेला ने। मतलब सबसे ज्यादा रीड करने वाले कौन है? एंजेला। सो एंजेला रीड मोस्ट ऑफ द पार्ट। 2/3 मिडल में आ गया। 2/3 पार्ट किसने रीड किया था? शुभलक्ष्मी ने। शुभलक्ष्मी इट इज ग्रेटर देन सबसे लास्ट, मतलब सबसे कम पार्ट किसने रीड किया? 1/2 बालकृष्णन ने। मतलब बालकृष्णन यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया है। तो सबसे ज्यादा रीड किया एंजेला ने, उससे कम शुभलक्ष्मी ने, और उससे सबसे कम रीड किया बालकृष्णन ने। ओके चलो फिर। तो आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया इसका। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमको। इन ए थिएटर फॉर ए शो हाफ ऑफ द ऑडियंस वेर वुमन। एक शो था थिएटर में, उसमें हाफ ऑडियंस कौन थे? वुमेन थे। ओके एंड 1/3 ऑफ दिस वुमेन, एंड उसमें के वुमेन में के 1/3 वेयर गर्ल्स। ओके मतलब जितने भी ऑडियंस थे उसमें के हाफ वुमेन थी और वुमेन में भी 1/3 गर्ल्स थी। इफ द टोटल ऑडियंस वेयर 600 इन नंबर, टोटल अगर 600 हो गए, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर? तो गर्ल्स कितने होंगे वो निकालो। बहुत सिंपल है, देखो कैसे करना सिंपल। मेथड से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखो क्या लिखना, सबसे पहले हाउ मेनी ऑडियंस वेयर देयर, टोटल ऑडियंस इक्वल टू, पहले टोटल ऑडियंस लिखेंगे। तो उस थिएटर में टोटल ऑडियंस कितनी थी? 600। इट इज गिवन। तो हमको निकालना हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर, स्कूल गर्ल्स। तो गर्ल्स कितने थे? 1/3 ऑफ दिस वुमन वेयर गर्ल्स। तो वुमन के 1/3 गर्ल्स थे। वुमन मालूम नहीं हमको कितने, तो यहाँ पे दिया है हमको। देखो हाफ ऑफ द ऑडियंस वेयर वुमन, पहले हमको कितने वुमन थे वो निकालना पड़ेगा। कितने वुमेन थे वहां पर? हाफ ऑफ द ऑडियंस। सो वुमेन इक्वल टू हाफ ऑफ द ऑडियंस, ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। टोटल ऑडियंस कितने दिए हमको? 600। 600 के अगर हाफ किया तो कितना आता? 300। ओके सो वुमेन कितने आ गए यहाँ पर? 300। सो हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? 1/3 ऑफ द वुमेन। सो नंबर ऑफ स्कूल गर्ल्स इक्वल टू, सो नंबर ऑफ स्कूल गर्ल्स कितने आ जाएगा यहाँ पर? 1/3 ऑफ वुमेन, 1/3 ऑफ वुमेन। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय वुमेन कितना निकला अभी हमने? 300। तो 300 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 से डिवाइड करना। 3 वन जा 3, 300, 300 कितने आ गए? 100। सो हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स वेयर देयर? देयर वेयर 100 स्कूल गर्ल्स। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आज के भी इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से बाकी क्वेश्चंस। ओके सो गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।